तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज मैं लेकर आया हूँ एक सेकंड ब्लॉग। आज मैं खेत पे जा रहा हूँ, तो तुम लोगों का हमारा घर से खेत कितना दूर है वो दिख रहा हूँ। ये जो दिख रहा हो जंगल के उस पार मेरे घर है। ये देखो, ये सब्जी के पत्ते यहाँ पे बहुत सारी है। तो ये सब हमारे यहाँ बंगाल में ये सब कहते हैं शाक पत्ते। तो चलिए हम खेत में जाते हैं। ये देखो केले के बहुत सारे केले हैं, पक चुके हैं ये। तो चलो अब हम खेत में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बारिश होने के बाद सब लोग धान गाड़ रहे हैं। तो चलो, आज सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि तुम लोगों को मुझे माठ हमारा यहाँ पर जो खेत है खेत दिखाना है, तो इसलिए मैं सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे करेला जो है ना, जो सब्जी वो उगी है। तो अभी छोटा है, ये देखो अभी छोटा है। तो ये जब बड़ा हो जाएगा तब खाने के लायक होगा। सामने हमारा यहाँ पे एक छोटा सा फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट कहा नहीं जाता, पर एक जमीन पे बहुत सारे गाछ लगाए हैं यहाँ पे। ये देखो एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे हरदम छाया रहता है यहाँ पे। तो चलो खेत की तरफ। तो हमारे खेत में एक मछली ने बहुत सारी बच्चे दिए हैं। मछली को हमने अभी तक पकड़ा नहीं है क्योंकि बहुत बच्चे अभी तक बहुत छोटा है। अगर उस दोनों मछली को हम पकड़ ले तो वो मर जाएगा। हमारा खेत पे ही है, तो चलो तुम लोगों को दिखाते हैं। और ये देखो हमारे यहाँ पे धान लगाई है। बारिश हुआ था इसलिए आप धान की सीजन है, इसलिए बहुत सारे जमीन पे धान लगाई है। ये देख लो, यहाँ पे रात को आना बहुत डेंजर है क्योंकि खेत में बहुत सारी सांप रहती है। ये देखो दोस्तों, मछली के बच्चे, छोटी 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 मछली के बच्चे यहाँ पे बहुत सारी है। ये देखो जा रहा है। इसके जो माँ है बहुत छोटा है इसलिए हमने पकड़ा नहीं है, हमारे खेत में ही है। बहुत सुंदर है ना। ये देखो मछली के बच्चे। तो मैं खेत से घर आ चुका हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही था। तुम लोगों को मेरा जो घर के पीछे जो खेत है वो दिखाना था। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगा, और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एक। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया ब्लॉग लेकर। तो अभी तक के लिए टाटा।